कैमूर जिले में पृथ्वी दिवस के अवसर पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का कार्य आयोजित किया गया, जिसमें कैमूर डीएम एसपी एवं बिहार सरकार के खाने और भू तत्व मंत्री ब्रिज किशोर बिंद सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। कैमूर जिले में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य मिला था, जिसे जिला प्रशासन जोर शोर से वृक्षारोपण का कार्य करा रहा है। सभी सरकारी विभागों द्वारा अपने अपने प्रखंड, जिला और पंचायत क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो वहीं निजी संस्थानों द्वारा भी वृक्षारोपण के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने सभी विभागों को पर्याप्त मात्रा में मनरेगा और वन विभाग से वृक्ष उपलब्ध करा दिया है। कैमूर जिला अधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि हम लोगों ने आज तक इस कैमूर जिला में 21 लाख पौधों को लगाया है, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि वृक्ष के प्रति सभी ने अपना दायित्व निभाया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जितनी संख्या में वृक्ष लगा है, उससे कैमूर की आबोहवा निश्चित रूप से बदलेगी। मैं पूरे आवाम से अपील करता हूँ, जितना वृक्ष लगा है उसका रक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर मनुष्य को अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए। इससे जो प्रदूषण फैलता है उसके रोकथाम के लिए, आदमी की सुरक्षा के लिए, ये मनुष्य के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए वृक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो आज हम जिला प्रशासन को बधाई देते हैं। माननीय डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, वन विभाग के पदाधिकारी हैं, डीडीसी साहब हैं, इस जिले के जितने वरीय पदाधिकारी हैं और साथ में हम लोग भी हैं। इसके माध्यम से पूरे बिहार को, कैमूर जिला के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ की रक्षा करना चाहिए, वृक्ष की सुरक्षा करना चाहिए और अपने जीवन में पूरे आम आवाम को खुशहाल रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य के जीवन में वृक्ष लगाना बहुत ही जरूरी है। यही हम संदेश देना चाहेंगे और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सब लोग वृक्ष लगाएं। और इस पर आज हम लोगों ने आज तक 21 लाख से अधिक पौधा लगाया है इस पूरे कैमूर जिले में, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है हम लोगों का, जिसमें विभिन्न विभागों के द्वारा, जैसे वन विभाग हैं, हमारे मनरेगा हैं और अन्य जीविका ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरीके से रोड है, बिल्डिंग है, सभी विभागों ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है। शिक्षा विभाग ने, कृषि विभाग ने, सभी ने काफ़ी सहयोग किया है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोगों ने वृक्ष के प्रति अपनी सजगता और वृक्षारोपण के प्रति अपनी सजगता दिखाया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी संख्या में हम लोगों ने वृक्ष लगाया है, कुछ दिनों के बाद कैमूर की आबोहवा निश्चित रूप से बदलेगी। शर्त एक ही है कि हम सभी लोगों को जो भी वृक्ष हम लोगों ने लगाया है उसकी हम लोग रक्षा करें। मैं पूरे आवाम से अपील करता हूँ कि जितना भी वृक्ष उन्होंने लगाया है उसकी रक्षा करें और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, ताकि हम अपने कैमूर को एक नया दे सकें। क्लीन सिटी का आज तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ, तो क्या उस पर तैयारी करेंगे? अब बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि 21 लाख पौधे एक कैमूर जैसे छोटे ज़िले में यदि लग रहा है, तो यह एक ग्रीन सिटी की तरफ और ग्रीन कैमूर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। सर, लोग पहले भी आपको पुरस्कृत किया गया है वृक्षारोपण में और लोग आपका तारीफ भी करते हैं कि कैमूर डीएम के प्रेरणा से हम लोग वृक्ष लगा, और लोगों के लिए क्या संदेश है आपका? मैं सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति हमारे कैमूर में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम पे एक पेड़ लगाएं। प्रत्येक साल अपने जन्मदिन के अवसर पे हो या साल के पहले दिन हो, साल के पहले दिन मीन्स कि मार्च के बाद, हम जून की ही बात करेंगे, जून में ही एक वृक्ष लेकिन और वृक्ष लगाएं और उसकी रक्षा करें। उससे क्या होगा कि वो जीवन पर्यंत उनको याद रहेगा कि हमने इस बर्थडे पे यहाँ ये पेड़ लगाया था। वो पेड़ हमें छाया भी देगी, पेड़ हमें फल भी दे सकता है और पेड़ हमारे वातावरण की रक्षा करेगी, तो इससे हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट।